जनता के विकास की हमने जो वादा किया है उस विकास को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर तीसरी बार जो मोदी सरकार बनने जा रही है उसमें अलीगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सतीश गौतम जी एक लोकप्रिय नेता हैं अलीगढ़ के। अलीगढ़ का जन जन उन पर विश्वास करता है, उनको स्नेह करता है, उन्हें प्यार करता है। यहाँ का अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। इस विश्वास को हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर 400 पार का जो आंकड़ा है ये भाजपा या मोदी जी का नारा नहीं, ये जनता का नारा है। 2024 चल रहा है और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनाव से पहले सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं और उसी क्रम में आज दानिश अंसारी जो हैं अलीगढ़ पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार अलीगढ़ में उनका अनुभव कैसा रहा है और अलीगढ़ में किस तरह से लोगों से बातचीत की है और अलीगढ़ से क्या निकल कर आ रहा है। सर पहले तो श्रेष्ठ यूपी में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, आज आप अलीगढ़ पहुंचे हैं, अलीगढ़ का क्या हाल है और चुनाव में जनता किस तरह से बातचीत? अलीगढ़ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी के पक्ष में है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अलीगढ़ के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी फिर से यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। जनता के विकास की हमने जो वादा किया है उस विकास को पूरा करेंगे। आज हर जाति धर्म मजहब के लोग, उनको मोदी सरकार की नीति और नियत पर भरोसा है। निश्चित तौर पर तीसरी बार जो मोदी सरकार बनने जा रही है उसमें अलीगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर अलीगढ़ में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार जो अलीगढ़ के सांसद बीजेपी सांसद है और तीसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है उनका विरोध देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जनता का कहना है कि मोदी योगी से बैर नहीं लेकिन सतीश गौतम की खैर नहीं, इस तरह के पोस्टर भी अलीगढ़ में कई जगह लगाए गए हैं। इन चीज़ों को जनता को कैसे मैनेज कर पाएंगे और कैसे क्या? नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं है। सतीश गौतम जी एक लोकप्रिय नेता है अलीगढ़ के। अलीगढ़ का जन जन उन पर विश्वास करता है, उनको स्नेह करता है, उन्हें प्यार करता है। ये अलीगढ़ की जनता ने उन्हें बार बार जिता के उन्हें यहाँ के सेवा का अवसर दिया है। निश्चित तौर पे अलीगढ़ की सेवा के लिए पूरी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है और ऐतिहासिक मतों के साथ यहाँ से सतीश गौतम जी जीत के लोकसभा जाएंगे। सर आज अलीगढ़ में आपने अल्पसंख्यक जो विभाग है उनके लोगों के साथ भी बैठक की है, आपने बैठकों के बाद लगातार जो आप कई जगह भ्रमण भी करके आए, कई विधानसभा का भ्रमण भी रहा है, कैसा अनुभव रहा है, लोग क्या कहने? भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी मौजूद हैं और तमाम हम लोग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में गए, वहाँ के विकास की, तालीम की, तरक्की की हमने बात की और निश्चित तौर पे यहाँ का अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। सर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन ये दावा किस तरह से पास हो पाएगा? जनता के विश्वास के बल पे, जनता के वोट के आशीर्वाद के बल पे, जनता के स्नेह के बल पे इस विश्वास को हम पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे 400 पार का जो आंकड़ा है ये भाजपा या मोदी जी का नारा नहीं, ये जनता का नारा है। जनता ने नारा दिया है 400 पार का और निश्चित तौर पे जनता के इस नारे को हम पूरे विश्वास के साथ पूरा करेंगे। देखिए ये मेरे साथ जो है दानिश अंसारी जी मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं भी किसी का विरोध नहीं है और लगातार जो कहीं ना कहीं अलीगढ़ के सांसद हैं कोई विरोध नहीं है और लगातार जिस तरह पहले दो बार सांसद रहे फिर एक बार सांसद की जो ताज है उनके सर बंधेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी अजर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।